हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। डॉक्टर नईम सदीक, न्यूरोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ प्लेक्सस न्यूरो एंड स्टेम सेल रिसर्च सेंटर बेंगलोर से आप लोगों के सामने फिर एक बार एक और ऐसी बीमारी जो दिमाग और नसों को अफेक्ट करती है, उसका चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने मैं आया हूँ। और आज जिस बुरी बीमारी के बारे में डिस्कशन होगा, जिस बारे में चर्चा होगी, उसका नाम है मोटर न्यूरॉन डिजीज़, या जैसे सब लोग उसको जानते हैं MND। उसको अंग्रेज़ी में ALS भी कहा जाता है, लेकिन MND के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद क्या है? अभी कुछ सालों पहले मैं जब टीवी देखा करता था तो मैंने एक टैग लाइन देखी थी जो कि बहुत ही अच्छी थी, यानी डर के आगे जीत है। तो उसको मैं थोड़ा और ज़्यादा उसके साथ कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को समझ जाएं तो फिर डर होगा ही नहीं, और जब डर होगा ही नहीं तो हमें समझ में आ गया कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो जब प्रॉब्लम पता चल गया तो उसका हल बहुत ही आसान है। तो मेरे आप लोगों के सामने बार बार आने का और ये वीडियो प्रेजेंट करने का मकसद एक ही है कि ये जो खौफनाक, ये जो बुरी, बहुत ख़राब, हर दिन बढ़ने वाली बीमारियां और जो कि लाइलाज हैं, जिनका मेडिकल साइंस में अभी तक कोई पक्का ट्रीटमेंट नहीं बना है, उनके बारे में उनको मैं चाहता हूँ कि आप इन बीमारियों को समझ जाएं। जब एक बार आप समझ जाएं तो फिर हम सोच सकते हैं कि उसका क्या तोड़ है और उसका क्या हल है। तो अभी हम शुरू करते हैं इस बीमारी के बारे में, MND। तो ये बीमारी है क्या? अगर आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके संबंधियों में, जान पहचान वालों में अब कोई इस बीमारी से पीड़ित है, तो आपने देखा होगा कि ये उन सबसे बदतरीन बीमारियों में से है जो सालों नहीं बल्कि महीनों में डिट्योरेट हो जाते हैं। जैसे बंदा कुछ दिन पहले चल रहा था, एक महीने बाद आप देखते हैं कि वो तो व्हीलचेयर पे आ गया है। पहले अपने हाथ आराम से इस्तेमाल कर रहा था, अभी हाथ उसके बिल्कुल उठ नहीं पा रहे। तो ये बीमारी जो है, हमारे दिमाग के अंदर होते हैं छोटे छोटे सेल्स जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और फिर ब्रेन से नीचे जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि बेसिक, यानी जैसे एक दीवार के लिए हमें चाहिए बहुत सारे ईंट, तो दीवार का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ईंट है। तो इसी तरह इंसान के शरीर में हर एक अंग का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। तो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के ये जो सेल्स हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं। शुरू में तो कमज़ोर होते हैं और फिर कुछ महीनों और कुछ सालों में ही ये बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, बिल्कुल काम नहीं कर रहे। तो उसमें क्या होता है कि इंसान चाह रहा है कि अपना हाथ उठाए, चाह रहा है कि अपना पैर उठाए, चाह रहा है कि बोले, चाह रहा है कि खाना खाए, लेकिन वो कर नहीं पाता। तो ये जो सेल्स में जो सिग्नल निकलता है, जो इशारा निकलता है, जैसे स्पार्क निकलता है स्पार्क प्लग में से, जो आपने देखा होगा अपने गाड़ियों में से, तो ये फायरिंग बंद हो गई तो फिर सेल्स काम नहीं कर रहे। और दिमाग चाह रहा है कि आप कुछ काम करें, लेकिन आपके अनेक जो और अंग हैं, हाथ या पैर, मुंह वगैरह, ये काम नहीं कर रहे हैं। ये क्यों होता है, इसका कारण अभी तक मेडिकल साइंस में हमें पता नहीं चला है, लेकिन इतना हमें मालूम है कि हमारे जो बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम होता है, ओके, तो वो जो सुरक्षा का जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, राइट। और किन लोगों को ये अफेक्ट करती है? किसी को भी। पहले हम देखते थे कि ये 50 और 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित होते हैं, लेकिन अभी देखा जाता है कि 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में, हर एक उम्र में लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। मर्द हो या औरत हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किस तरीके से ये प्रेजेंट होती है, आपको कब अंदेशा होता है कि ये बीमारी शायद MND है? क्यों? बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बीमारी शुरू तो हो गई है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये बीमारी है।
बल्कि बहुत सारे लोग सही डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, वो बजाय इसके कि वो किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे और मसाज वसाज करवा देंगे। नहीं, जब आपको लगे कि कमज़ोरी हो रही हाथों या पैरों में, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रेजेंट होती है। तो लगभग 80% लोग जो हैं उनमें हाथ और पैरों की कमज़ोरी शुरू होती है। कमज़ोरी शायद हो सकती है बस दो उंगलियों में हो या बस हाथ में हो, लेकिन धीरे धीरे पूरा बाजू पड़ जाता है और फिर पता चला कि पहले राइट साइड था और फिर लेफ्ट साइड भी अफेक्ट हो गया, फिर कुछ दिन बाद दाहिना पैर था और फिर बायां पैर भी अफेक्ट हो गया। तो 80% में हाथ और पैर में कमज़ोरी होती है और फिर लगभग 18-19% लोगों में ये अफेक्ट करती है गले को। गले से मकसद क्या है? नंबर एक, इंसान की बातचीत क्लियर नहीं रहती, वो बात तो कर रहा है लेकिन आगे वाला समझ नहीं पाता वो क्या बोल रहा है। और नंबर दो, जो कि बहुत ही सीरियस चीज़ है, वो है इंसान को निगलने में दिक्कत शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में सिर्फ पानी निकलने में या लिक्विड्स निकलने में, और फिर कुछ दिनों शुरू में तो सॉलिड्स यानी जो जैसे रोटी है या चावल है या ऐसी चीज़ें खाने में मुश्किल होती है, और फिर धीरे धीरे पानी या दूध या वगैरह भी पीने में मुश्किल हो जाती है। और फिर जो 1-2% लोगों में ये शुरू होती है सांस की कमज़ोरी से, कि इंसान सांस नहीं ले पाता, जैसे वो कुछ बोलना चाह रहा है तो यानी सांस रुकती जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद बिल्कुल ही सांस नहीं ले पाता, मजबूरन इसको या तो सांस की मशीन जिसको सीपैप कहते हैं वो डालना पड़ेगा, या फिर उसको फाइनल स्टेज में वेंटिलेटर और ICU में एडमिट करना पड़ता है। और प्रोग्रेशन इसका कैसे होता है, इसकी रफ्तार कैसी होती है? बहुत तेज़, बहुत ही तेज़। अभी जैसे हम जो पेशेंट्स देखते हैं, जैसे पार्किंसन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये बीमारियां हैं जो कुछ साल लेते हैं प्रोग्रेस होने में। जैसे पेशेंट्स आते हैं कि बीमारी शुरू हुई सन 2004 में, 2005 में, और अब जाके पेशेंट को व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन MND कुछ ही सालों में, 2 या 3-4 सालों में इतना तेज़ी से बढ़ती है कि इंसान व्हीलचेयर और फिर वेंटिलेटर का हो जाता है। तो यहाँ पे इसका इलाज क्या है? अब तक कोई इसका परमानेंट क्योर नहीं है। हाँ, कुछ गोलियाँ हैं जैसे रेलुजॉल है, कुछ इंजेक्शन्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनमें कुछ लोगों को कुछ हद तक फ़ायदा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो ब्रीदिंग है वो कुछ और दिनों के लिए वो संभल जाती है, या उनकी ताकत कुछ और दिनों के लिए बरकरार रहती है। तो अभी हम यहाँ प्लेक्सिस पे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक नया और बिल्कुल ही लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको हम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अभी सवाल ये है कि क्या स्टेम सेल इसका क्योर है? क्या इसमें 100% पेशेंट ठीक हो जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं होगा। स्टेम सेल से क्या हो सकता है? अगर पेशेंट हमारे पास पहले ही स्टेज में, जैसे ही बीमारी शुरू हुई, जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हाथ में कमज़ोरी शुरू हुई है, उसी वक्त अगर पेशेंट हमारे पास आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर एक, कि बीमारी को रोक दें, कि कमज़ोरी सिर्फ हाथ में है, ये सिर्फ हाथ में ही अगले 5, 10, 15, 20 साल तक रुक जाए। नंबर दो, बजाय इसके कि ये 3-4 महीने या 1 साल में हाथ से दूसरे हाथ और फिर पैरों या गले को अफेक्ट कर दे, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि इसकी जो गति है वो धीमी हो जाए, बजाय 1 साल के वो 7 साल ले, 8 साल ले, 10 साल ले। और फिर तीसरी बात जो हम ट्राई कर सकते हैं कि जो भी कमज़ोरी आई है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इंसान ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसकी बोलचाल हम ठीक कर सकते हैं, इंसान को निगलने में मुश्किल हो रही है तो उस मुश्किल को हम ठीक कर सकते हैं, और किसी को पेशेंट को सांस में थोड़ी कठिनाई हो रही तो कुछ हद तक उसको ठीक कर सकते हैं, और हाथ पैर की कमज़ोरी को कुछ हद तक कर सकते हैं। और किस हद तक और कितना परसेंटेज वो पेशेंट वापस हम ला सकते हैं, ये डिपेंड होता है हमारे पास पेशेंट किस स्टेज में आता है।
इसीलिए जब भी मैं किसी से डिस्कस करता हूँ कि कोई आके मुझे बताता है कि उनके फलां को MND हुआ है, उनके फलां को कमज़ोरी, कि वेट नहीं करो, इंतज़ार नहीं करो, क्योंकि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में ये बीमारी बढ़ जाएगी और ये ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगी कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही डिटेक्ट हो जाए, जैसे आपको पता चल जाए कि आप MND से पीड़ित हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल करें, मुझे ईमेल करें, हम बगैर अपॉइंटमेंट के जितना जल्द होता है हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी को जितना हो सकता है, क्योर तो नहीं होगा, हाँ हम केयर करेंगे कि हम इम्प्रूव करेंगे, आपकी लाइफ और बेहतर हो जाए जिस हद तक हो सकता है। तो मेरे सुनने वालों, मैंने बहुत ही सरल हिंदी में आप लोगों के सामने इस बहुत ही बुरी बीमारी के बारे में आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है कि ये बीमारी है क्या, होती क्यों है, और जब होती है तो इसके इलाज क्या हैं, लक्षण क्या हैं, और यहाँ प्लेक्सिस में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो अगर आप जानते हैं किसी को जो इस बीमारी से पीड़ित है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें या उन्हें हमारा नंबर दे दें ताकि वो हमें कॉन्टैक्ट करें, ताकि हम उनकी मदद कर सकें और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। आपको कोई अगर सवाल है या शक है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। और फिर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करते रहें, क्योंकि इस पे हमारे अपडेट्स, जो जो नई चीज़ें हैं वो आते रहेंगे। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो फिर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं बार बार थोड़े कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में मैं आपके सामने ऐसी बुरी बीमारियों को लेके आता रहूँगा ताकि आपको इन बीमारियों के बारे में समझाऊँ और आपके अंदर से ये डर निकालूँ ताकि आप जीत पाएँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।